Assalamu alaikum and hi to all. Hi to all watcher and viewer. Today we have to learn future, simple future tense. To whom called future, simple future tense? To whom called future tense? Future tense किसे कहते हैं? आज हमें सीखना है future tense में का एक हिस्सा, उसका नाम है simple future tense. Future tense कहते हैं यहाँ से आने वाली, यहाँ से अभी जो खड़े हुए, यहाँ से एक सेकंड भी आगे का, इसके आगे वाला है वन सेकंड भी क्या है फ्यूचर टेंस वाला है. यहाँ क्या, यहाँ से एक सेकंड भी आगे वाली बातें करेंगे तो सारी फ्यूचर टेंस की बातें है. जो भी हम काम इसके आगे जो काम करेंगे हम, वो सारे काम फ्यूचर टेंस के. अभी खड़े होकर हमें कहना है कि मैं जाने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा, ये सारी बातें क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस. अभी वही देखना है हमें सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं. फ्यूचर टेंस में एक हिस्सा है, एक डिवीजन है, एक सेक्शन है, एक सबकाइंड है, उसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस. तो सिंपल फ्यूचर टेंस की बातें कौन सी होती है, किन बातों को सिंपल फ्यूचर टेंस की बातें कही जाती है. दैट वी हैव टू लर्न टुडे. टू विच टॉकिंग कॉल सिंपल फ्यूचर टेंस टॉकिंग बिकॉज दिस इज स्पोकन क्लास. ये स्पोकन क्लास के तरफ से ये टेंस के क्लिप्स बनाए जा रहे हैं. तो स्पोकन क्लास जब होता है तो स्पोकन स्पीकिंग की तरह से बताएंगे हम, स्पीकिंग बातें कौन सी वही बताएंगे हम. इस टेंस में कौन सी बातें होती है, इस टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसी किस तरह की बातें की जाती है, कौन सी बातों को यूज़ किया जाता है, कौन सी बातों को सिंपल फ्यूचर टेंस की बातें कहते हैं, वो आज हमें सीखना है. तो सिंपल फ्यूचर टेंस ये देर आर फोर सब काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस की चार आला शक्लें हैं. उसमें का वन जो शक्ल है, वन जो प्रकार है, वन जो काइंड है, वो है सिंपल फ्यूचर टेंस. ये पहला काइंड है. अब सिंपल फ्यूचर टेंस देखो कौन सी बातें, याद रखो अच्छा सुनना, कौन सी बातों को सिंपल फ्यूचर टेंस की बातें कहते मैं वाला हूँ, वाला वाली सारी बातें आगे की होती है. मैं वाला हूँ मिस, मैं लिखने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, मैं दौड़ने वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ. यस, या तो सर आने वाले हैं, मैम पढ़ाने वाले हैं, मदर पकाने वाले, सिस्टर देखने वाली है, डैडी ऑफिस को जाने वाले हैं, यस, भाई पढ़ाने वाला है, अंकल काम करने वाले, आंटी पकाने वाली है, यस, वाला वाले. ये जो बातें होती, जितनी बातें वाला वाली होती है, इसे कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की बातें. अभी जो हमने बातें की ना, ये सारी बातें सिंपल फ्यूचर टेंस की बातें, यस. जब भी ऐसी बात करेंगे समझ जाएंगे कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस की बात है. फिर और सुनना, मैं खाने वाला हूँ, मैं पीने वाला हूँ, मैं निगलने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, मैं मारने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं चबाने वाला हूँ. ये सारी बातें सिंपल फ्यूचर टेंस की बातें होती है. अब इस टेंस में वर्ब के कौन से काइंड को यूज़ किया जाता है, वी नो दैट देर आर फोर काइंड ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स की चार शक्लें होती है, हमें पता है उसमें का कौन सा काइंड, फ्रॉम, फॉर, विच काइंड ऑफ वर्ब शुड यूज इन द सिंपल फ्यूचर टेंस. ये चार काइंड में से कौन सा काइंड वर्ब का इस टेंस में यूज़ किया जाता है, तो वर्ब का फर्स्ट काइंड यूज़ करेंगे. वर्ब का फर्स्ट काइंड ऑफ वर्ब शुड यूज इन द सिंपल फ्यूचर टेंस. फर्स्ट काइंड यूज़ करेंगे और अलॉन्ग हेल्पिंग ऑफ के साथ. हेल्पिंग ऑफ कौन सा यूज़ करेंगे, हेल्पिंग ऑफ यूज़ करना है शैल और विल. शैल का माना वाला, विल का माना वाला, दोनों का माना वाला. बट डिफरेंट इन द यूजिंग, यूज़ करने में अलग अलग है, यूज़ करने में अलग अलग. कैसे, ग्रामर कहता है जब भी जबान से आई कहेंगे, आए तो शैल यूज़ करेंगे. आई शैल, जिसमें मेरा इंक्लूडिंग है, जिसके अंदर मैं मिला हुआ हूँ, उसे कहेंगे शल, उसके साथ शल यूज़ करना है. जब मैं कहेंगे तो मैं के अंदर मैं हूँ, तो इसके साथ आई के साथ शल, आई शल. और हम कहेंगे हम के अंदर भी मैं हूँ, हम चाहे ग्रुप हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई कुछ भी पब्लिक हो, पब्लिक के अंदर हम क्या कहेंगे, हम, तो हम के अंदर भी मैं हूँ. जब हम कहेंगे तो भी शल यूज़ करेंगे. मिस वी मिस हम, वी शल,
जब भी जबान से कहेंगे आई तो आई शल, जबान से कहेंगे वी तो वी शल यूज करना पड़ेगा, आई शल वी शल। ओके, शल के बाद विल के बाद वर्ब का फर्स्ट काइंड यूज करेंगे। ओके, उसके आगे जहां पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है वो यूज करेंगे, इसे कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की बात। ओके, चलो सम सेंटेंसेस आई हैव रिटन एट द ब्लैक बोर्ड दैट वी हैव टू प्रैक्टिस बाय सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हमें प्रैक्टिस करना है, कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हुए, बड़ा अच्छा है काम वाला ये सेंटेंस है, बड़े यूजिंग करने यूजिंग में मीन्स यूज करने वाला सेंटेंस, यूज में लाने वाला सेंटेंस है, इस पर यूज में लाओ, इसे यूज करो। अभी ऐसा हम जो टेंस सीखते हैं इस तरीके से नहीं सीखते, हम बातचीत को लेकर टेंस सीख रहे हैं। ये सीखने में बड़ा आसान जाएगा और हमारे हमें पढ़ने में भी आसान जाएगा और लिखने में भी आसान जाएगा। इजी विल बी इजी टू राइटिंग रीडिंग एंड सेइंग। चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट टू सी विच आर दीज सेंटेंसेस। इट्स अ सिंपल फ्यूचर टेंस, इट्स अ टाइटल सिंपल फ्यूचर टेंस, मीन्स सादा भविष्य काल कहेंगे हिंदी में, उर्दू में, हिंदी में, और उर्दू में कहेंगे सादा जमाने मुस्तकबिल, सादा जमाने मुस्तकबिल। इसमें कौन सी वर्ड्स और कौन सा हेल्पिंग ऑफ यूज़ किया जाता है यहाँ पर लिखा हुआ है। सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे, सब्जेक्ट कौन सा होता है ये भी हमें पता नहीं होता। जिस जुमले के शुरुआत में जो वर्ड ज़्यादा 90% जो यूज़ करते हैं हम, वो सब्जेक्ट से करते हैं, मीन्स जो काम करने वाला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है, वो तो आगे हमें पढ़ना है, अभी यहाँ पर शुरुआत करना है सब्जेक्ट से। एक्चुअली सेंटेंस इनिशिएट बाय द सब्जेक्ट ओनली, मैक्सिमम सेंटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ही होती है। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एच फॉर हेल्पिंग वी फॉर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शैल विल, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शैल विल, प्लस वी वन वर्ब का फर्स्ट काइंड, प्लस ओ बी जे मीन्स ऑब्जेक्ट। तो ये है फार्मूला, दिस इज फार्मूला ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, कभी आएगा कि राइट द फार्मूला ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस तो ऐसे लिखना पड़ेगा, कहीं आएगा कि लिखो सिंपल फ्यूचर टेंस का फार्मूला तो ऐसे लिखना पड़ेगा। सेंटेंसेस हैव रिटन विच आर दिस, लुक एट द बोर्ड, ये कौन से है ज़रा देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है आई क्या है सब्जेक्ट है, ये शुरुआत आई सब्जेक्ट से ही हुई, आई सब्जेक्ट शल हेल्पिंग वर्ब, स्क्रिबल वर्ब का फर्स्ट काइंड, अभी हमने देखा था वर्ब का फर्स्ट काइंड यूज़ करना है, वी वन फॉर्मूले में हमने देखा, ये ऑब्जेक्ट टुमारो, यस। तो इसका माना क्या होता है, आई शल स्क्रिबल टुमारो, आई शल स्क्रिबल टुमारो। देखो स्क्रिबल का माना, स्क्रिबल मीन्स कितना अच्छा वर्ड है, देखो इसका माना है गड़बड़ से कैसा भी लिखना। हम कभी कुछ काम में होते जल्दी करना होता है तो उस लिखने को कहते हैं स्क्रिबल। देखो आई शैल स्क्रिबल टुमारो, मैं कल गड़बड़ से कैसा भी लिखने वाला हूँ, मैं कल गड़बड़ से कैसे भी लिखने वाला हूँ, ये सेंटेंस हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस। सेकेंड, ही विल ग्रोन बाय पेन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। अभी ग्रोन का माना, ये यूज़ करने वाले वर्ड है, यूज़ में आने वाले वर्ड है, तो इसे यूज़ करेंगे। ग्रोन का माना है कनारना, जो तकलीफ से कनारता ना आदमी, तकलीफ होती है अंदर पेट में तो कनारता है, वो जो आवाज़ निकलती है मुँह से उसे कहते हैं कनारना। ही विल ग्रोन बाय पेन आफ्टर सम टाइम, वो थोड़ी देर बाद तकलीफ से कनारने वाला है, शर्विल कमाना वाला है। ओके, वो थोड़ी देर बाद तकलीफ से कनारने वाला है। अब ये तो सेंटेंस की शुरुआत हुई है सब्जेक्ट से, विल यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब, ग्रोन वर्ब का फर्स्ट काइंड, ये जो क्या ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस को कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस। नंबर थर्ड, ही विल स्नोर इन दी स्लीप। अब स्नोर का माना, ये भी डेली का वर्ड है हमें लगने वाला, जो इंटरेस्टेड वर्ड है, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो इन वर्डों को याद रखो और याद कर लो। स्नोर का माना है खराटे लेना, घोरना, मीन्स नींद में जो खराटे लेते घोरते मीन्स खराटे लेना, सर ऐसे नाक से खराटे लेते ना नाक से नींद में, तो खराटे लेने को कहते हैं स्नोर। ही विल स्नोर इन दिस स्लीप,
वो नींद में खराटे लेने वाला है। सब्जेक्ट ही विल हेल्पिंग ऑफ स्नोर फर्स्ट काइंड ऑफ ऑफ इन द स्लिप ऑब्जेक्ट। तो ये कहेंगे, इसे कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस। नंबर फोर, अ बॉय विल थ्रेटन मी टुनाइट। थ्रेटन, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। थ्रेटन, थ्रेटन का माना है धमकी देना। अ बॉय विल थ्रेटन मी, एक लड़का मुझे टुनाइट, आज रात, एक लड़का मुझे आज रात धमकी देने वाला है। एक लड़का आज रात मुझे धमकी देने वाला है। देखो सेंटेंस की शुरुआत अ बॉय से हुई, अ बॉय क्या सब्जेक्ट है। या थ्रेटन मीन्स धमकी देना, धमकी देना मीन्स ये काम है ना, ये काम करने वाला कौन है, ये बॉय है, तो ये सब्जेक्ट है। जिस जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट है, बॉय ये सब्जेक्ट है। हमने एस एक एस हमने पढ़ा था फॉर्मूले में, एस मीन्स सब्जेक्ट, और बॉय क्या सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने हेल्पिंग ऑफ विल को यूज़ किया, उसके बाद थ्रेटन वर्ब का फर्स्ट काइंड है, और ये टू नाइट ऑब्जेक्ट है। यस, तो इस सेंटेंस को कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस सेंटेंस। एक लड़का आज रात मुझे धमकी देने वाले, इसका माना ये है। ओके चलो नंबर फाइव, आई शाल थ्रोटल यू टुडे। आई शाल थ्रोटल यू टुडे, अब इसका माना भी बड़ा अच्छा है। थ्रोटल मीन्स गला दबाकर सांस रोकना, मीन्स गला दबाना, किसी का गला दबाने वाला सांस रुकती ना, तो सांस रोकना कहने की जरूरत नहीं, गला दबाने को कहेंगे थ्रोटल, गला दबाना। अब डिक्शनरी में लिखा हुआ होता है गला दबाकर सांस रोकना, जरूरत नहीं है सांस रोकना कहने की, गला दबाना कह दिया बस सांस रुक जाती है ऑटोमेटिक। गला दबाने के बाद कभी ऐसा नहीं होता कि गला दबाए और सांस फुल सांस ले रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं होता। गला दबाने के बाद सांस रुकती, उसी को कहते हैं थ्रोटल। देखो क्या लिखा हुआ है, आई शाल थ्रोटल यू टुडे, मैं आज आपका गला दबाने वाला हूँ। यस, मैं आज आपका गला दबाने वाला हूँ। गला दबा कर सांस रोकना, उसका माना वही हो रहा, मैं आज आपका गला दबाने वाला हूँ। या तो अगर कहना तो वैसे भी कह सकते, मैं आज आपका गला दबा कर सांस रोकने वाला हूँ, ऐसे भी हो सकता। वाला, शाल का माना वाला, ये गला दबाने वाला कौन है, आए, ये क्या सब्जेक्ट है, वर्ब करने वाला सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आए सब्जेक्ट, शाल हेल्पिंग ऑफ टोटल वर्ब फर्स्ट काइंड, टुडे यू टुडे, ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसे कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस। तो ये ऐसे सेंटेंस जब यूज़ में आते हैं, ऐसे सेंटेंस जब हम बात करते हैं या सुनते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो समझ जाना कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस है। Then students and friends, this was our today's study. How did you feel today's study? Please write your opinion in the comments box. आज की हमारी स्टडी कैसे लगी? फ्यूचर टेंस की शुरुआत ही है, आज के हमारे फ्यूचर टेंस के सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस आपके समझ में आए या ना आए, समझो या ना समझो, अपने ख्यालात को ज़रूर लिखो कमेंट्स बॉक्स में, तो हमें समझ में आएगा कि आपकी क्या समझ में आया। ओके ज़रूर, ऑलवेज राइट योर ओपिनियन थाट्स इन द कमेंट्स बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू राइटिंग, एंड प्लीज़ वॉच दिस SBS स्पोकन क्लिप्स, ऑलवेज वॉच फॉर डेवलपिंग आवर नॉलेज। ओके अस्सलाम वालेकुम, सी यू अगेन।